Singer Sonu Nigam, who was away from the limelight for quite some time, was recently seen at the birth anniversary of late legendary music composer RD Burman, who gave us melodious and peppy songs like Dam Maaro Dam, Oh Haseena Zulfonwaali, Chura Liya, Ek Ladki Ko Dekha To, Musafir Hoon Yaaro, and so on. During a media interaction, Sonu Nigam remembered RD Burman and said, मैं लकी भी हूँ कि मैं उनसे मिल पाया था, अनलकी भी हूँ कि मेरे हाथ से आता हुआ काम चला गया है। मुझे मौका मिलने वाला था क्योंकि मैं उस समय दिल्ली चला गया था और 3 महीने के लिए मैं रहा वहाँ पे। तो उस समय संपत जी मदद होने के रिकॉर्डिंग से थे, उन्होंने मेरा गाना सुनाया था। तो उन्होंने कहा, अरे पंचमदार को तेरा गाना याद हो गया। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने बोला, अरे वही है क्या, दीवाना हो गया ये दिल कलबा, मेरे गाना आगे बता रहे मुझे। तो मैं इतना लकी हूँ कि उनको मेरा गाना याद था, बट जब वो मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं उनको नहीं मिल पाया। तो वो एक बात। सोनू निगम आल्सो शेड, सिटिंग्स में एक्टर्स या बाकी लोग जाते थे उंगली करने के लिए नहीं, समझे, एडवाइस देने के लिए नहीं, संगीत सिखाने के लिए नहीं जाते थे, संगीत सीखने के लिए, उस माहौल का मजा लेने के लिए, अपने इनपुट्स लेने जाते थे। अभी हर किसी को म्यूजिक में से है, म्यूजिक आता हो या नहीं आता हो, आई थिंक दैट्स गुड यू नो, बट आई थिंक यू नो दिस इज नॉट फाइन एंड इट्स लिटिल लो, दैट इज अभी ऐसा मामला है। इसलिए आप कभी भी उस जमाने में अगर आर डी बर्मन की आप जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनके बराबरी के लोग उनके बराबरी की बातें करेंगे, उनके जो लोग अज्ञानी हैं वो बैठ कर ज्ञान नहीं देंगे वहाँ पर, इसलिए ये फ़र्क है। The event was also saw singers Shibani Kahsyap, composer and musician Leslie Lewis, who is popular for his work with Hariharan and others.